हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो गिवन है, इस बार नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। इससे पहले और भी दो लोग प्रधानमंत्री दो बार बन चुके हैं, एक हैं आपके जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हैं आपके मनमोहन सिंह, और तीसरे नंबर पे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय दूसरा कार्यकाल अपना कर रहे हैं। दूसरा सवाल, इस बार कौन से नंबर के लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो इस बार 17वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव के साथ इसके संबंधित एक और प्रश्न है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि इस बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ भारत में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। तो आपको मालूम होने चाहिए कि लोकसभा चुनाव के साथ भारत में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए, और वो चार राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। फिर से कह देता हूँ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, इन चार राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, मतलब कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और इस बार 2019 की तंबाकू निषेध दिवस की जो थीम है वो है टोबैको एंड लंग हेल्थ, ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। पहला सवाल तो ये हुआ, लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर हम एक चीज़ और ऐड करें, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, ठीक है। इसी से जो इम्पोर्टेंट सवाल आपके बन रहे हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है कि अमित शाह हाल ही में भारत के नए गृह मंत्री बने हैं। आप जब भी किसी कैबिनेट मिनिस्टर का या मंत्री का नाम लें तो उससे पहले उनकी कैबिनेट को ज़रूर लगा लें। जैसे कि अमित शाह हैं तो वो हमारे गृह मंत्री हैं जो अभी बने हैं, तो आप बोलेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह। तो जब आप ऐसे बोलने की आदत डाल लेंगे तो जिससे आपको जो मंत्री जिस कैबिनेट के लिए चुने गए हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब जैसे कि अगला सवाल यही है कि हाल ही में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में भारत के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर बने हैं, ठीक है। तो अब विदेश मंत्री हैं तो हम लोग बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और इनसे जुड़ी एक और ज़रूरी बात कि एस जयशंकर विदेश मंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा भूटान गए हैं, और 2 दिन की यात्रा उनकी है वहाँ पे। अब बात भूटान की है तो भूटान के बारे में भी जान लेना चाहिए। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है, नगुल्टम। और भूटान के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, लोटे शेरिंग, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में भारत के नए रक्षा मंत्री बने हैं आपके राजनाथ सिंह, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं। अगला सवाल, हाल ही में भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में भारत के जो नए वित्त मंत्री बने हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। तो अब यहाँ पे जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऐसे आपको, आप जब इनको कई बार बोलेंगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं एडमिरल करमवीर सिंह।
और ये भारत के 24वें नंबर के नौसेना के प्रमुख हैं। इससे पहले सुनील लांबा थे जो कि 23वें नंबर के प्रमुख थे। 31 मई को इनका कार्यकाल पूरा हुआ था और उसके बाद नए नौसेना प्रमुख अपॉइंट कर दिए गए एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर किताब किसने लिखी? विंग्स ऑफ फायर किताब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी। ये APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, इनसे ही जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ओडिशा के पास व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अगला प्रश्न, गरुण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो जो गरुण अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाएगा। ये सैन्य अभ्यास जो है, जो एयरफोर्स है वो दोनों फ्रांस और भारत की एयरफोर्स का ये गरुण अभ्यास होगा, इसी को नाम दिया गया है गरुण अभ्यास। बात फ्रांस की है तो फ्रांस के बारे में मालूम होना चाहिए, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन और वहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। अगला क्वेश्चन, G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वित्त मंत्रियों की बैठक जापान में आयोजित की जाएगी। ठीक है, और अपनी तरफ से कौन जाएगा? अभी हम लोग ने पढ़ा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी भारत से प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, बात जापान की है तो जापान की बारे में पता होना चाहिए, जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान की करेंसी एन और जापान के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं शिंजो एबे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मालूम है 2020 में टोक्यो में ही ओलंपिक होंगे, तो इतनी जानकारी आपको इससे होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में धीरूभाई नारायण भाई पटेल ने शपथ ली है। धीरूभाई नारायण भाई पटेल इससे पहले झारखंड के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अब उन्होंने दिल्ली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, भारत में पहली बार किस राज्य में 5 डिप्टी CM मुख्यमंत्री शपथ लेंगे? तो भारत में पहली बार 5 डिप्टी CM आंध्र प्रदेश में शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी CM रहेंगे जो कि अलग अलग वर्ग के लिए होंगे, SC के अलग, ST के अलग, OBC के अलग, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अलग, ऐसे 5 डिप्टी CM वहाँ पे बने हैं और उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, नाउ अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे तो आपको आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। आपको इसमें क्या है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है इसके बारे में आपको नीचे कमेंट करके बताना है। दूसरी चीज़ आपको ये भी बताना है कि ये वर्ल्ड मिल्क डे तो आप बता देंगे कि कब मनाया जाता है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। ये तो वर्ल्ड मिल्क डे है, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है और साथ ही साथ भारत में श्वेत क्रांति के पिता किन्हें कहा जाता है, इतना आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मुश्किल से 30 सेकेंड लगेंगे और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे, तो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।